राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दी जियो। श्री वृंदावनवास, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वादे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी, आ गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज
ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चार यमुना तीर वन चार जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव बिहारे जय राधा माधव कुंज राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी राधा रमण गाइए गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरिधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गाइए मेरो राधा रमण गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरिधारी श्याम बनवारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके
हरी माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। हरी माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रेम से गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव से नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनाए, हमको
कुटिया ब्रिज माही बननी, हमको कुटिया ब्रिज माही बननी। टूक मिले रसिको की सदा, और पी बन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिको की सदा, और पी बन को यमुना जल पानी। हम योरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी, अपने ठकुरानी श्री राधिकारानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी, अपने ठकुरानी श्री राधिकारानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी, अपने ठकुरानी श्री राधिकारानी। हम राधा राजबिहारी, राधा राजबिहारी, राधा राजबिहारी राधे, राधा राजबिहारी जय श्री राधा राजबिहारी, राधा राजबिहारी राधे। अगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ जय सुभद्रा। रघुपति राघव हजारा, पतित पावन सीतारा, राजा राम राजा राम पतित पावन सीता राम, राजा राम राजा राम पतित पावन सीता राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, गुरनिताय जय गुरनिताय, गुरनिताय जय गौरनिताय, गुरनिताय जय श्री गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गुरनिताय जय गौरनिताय, प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद, जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद। नीताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय।
ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रज बधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमापुमतो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मत्मिदं तत्रादरो नः पर चैतन्य महाप्रभु मत्मिदं तत्रादरो नः पर। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबर दरुण बिम बफल दरुष्ठा पूरणेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम् न जाने योऽन्तः प्रवेश मम वा चमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वदाना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा अमृत में तदेव गोविंद दामो दर माधवेत
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंद एक अध्याय दो श्लोक क्रमांक पांच मुनय साधु प्रोष्टोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति मुनयः साधु प्रोष्टोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति सवे पुंसां परो धर्मो यतोर्भक्ति अदोक्षजे अहे तुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहे तुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति यह प्रासंगिक है। पृष्टः पूछा गया अहम् मैं भवद्भिः आप लोगों के द्वारा लोक संसार मंगलम
कल्याण यत् क्योंकि कृतः बताया गया कृष्ण भगवान संप्रश्न संगत प्रश्न ये न जिससे आत्मा स्व सुप्रसिद्धति पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऋषि भक्तिवेदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की अनुवाद। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्म तुष्टि हो सकती है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि पहले कहा जा चुका है भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों ने नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित है क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान कृष्ण से है। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार है। नमो विष्णु पादाय बोलिए कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरवंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे उपस्थित भागवत अनुरागी भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले राधा रास बिहारी एवं राधा गोपीनाथ मंदिर के परम वरिष्ठ भक्त गण, जैसे कि राधा कृष्ण प्रभु, सहदेव प्रभु, पालिका माता जी, ये समस्त वरिष्ठ भक्तगण, आयोजक के द्वारा निमंत्रित समस्त अतिथि महानुभाव एवं इंटरनेट के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस भागवत कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवस में पुनः एक बार आप सब के चरणों में मेरा प्रणाम।
श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक छोटी सी कथा बताते हैं। वैसे मूल कथा तो महाप्रभु के मुख से कही गई है। एक बार एक आदमी था और वह बहुत दरिद्र था, गरीब था। धन कमाने के लिए मेहनत तो करता था लेकिन बेचारा कमा नहीं पा रहा था। पूर्व जन्म के कर्म के कारण या कुछ अपनी कमजोरी के कारण धन एकत्रित नहीं कर पा रहा था। और आज तो आप सब लोग जानते हैं बिना पैसे के एक कदम भी नहीं चला जाता है। कथा को ही ले लीजिए, यदि आपके जेब में पैसे न हो तो इस कथा को सुनने के लिए आप यहां नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि घर से यहां तक पहुंचने के लिए कुछ लोग ट्रेन से आए, ऑटो से आए, कार में पेट्रोल डलवा कर आए, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मात्रा में धन की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि धन ही जीवन है, है? लेकिन जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। तो यह आदमी बड़ा दुखी रहता था क्योंकि दरिद्र था। लगभग उस आदमी का आधा जीवन बीत गया इसी प्रकार दरिद्रता में। ठीक से घर भी नहीं बना पा रहा था, ठीक से वस्त्र भी नहीं पहनता था, भोजन भी ठीक से नहीं खाता था। एक दिन उस आदमी के गांव में एक ज्योतिषी आए। ये कविराज गोस्वामी लिखते हैं और महाप्रभु कहते हैं। एक दिन उनके गांव में एक ज्योतिषी आए। दरिद्र था, दुखी था और दुखी लोग ज्योतिषी को ही ढूंढते हैं। श्याम सुंदर कहां है? मैं तो आज तक कोई ज्योतिष के पास नहीं गया, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं होता और मन में जो भी इच्छा करे उसके पहले ही भगवान लाकर रख देते हैं, क्यों ज्योतिष के पास जाए। लेकिन कुछ लोग, मैं बाहर की बात छोड़िए, भक्तों की बात कर रहा हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, बड़े बड़े भक्त ज्योतिष के पास जा जाकर मैं भी दंग रह जाता हूं कि भक्तों का, ठीक है। तो जो गरीब होते हैं, दरिद्र दुखी होते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र सत्य है लेकिन ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला कोई ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए। ये शास्त्र गलत नहीं है लेकिन संसार के कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, कुछ जानते नहीं है। भृगु संहिता के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ज्योतिष शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन समाज को ठगने के लिए कोई स्त्री जाती है और हाथ दिखाकर कहती है पंडित जी देखिए, तो तुरंत कहता है कि आप बहुत मेहनत करती हो लेकिन आपका कोई कदर आदर नहीं करता है। हाँ स्वामी जी सत्य कह रहे हो, ये तो घर घर की कहानी है। तो कुछ ऐसी कॉमन बात बता देते हैं कि सब लोग उस रोग से, उस दुख से पीड़ित होते हैं, लेकिन कुछ 1-2% में कुछ ज्योतिष ऐसे हैं जो वास्तव में आपको सत्य बता सकते हैं।
तो उस आदमी के गांव में एक ज्योतिष आए और अपना हाथ दिखाया। ध्यान से सुनिएगा, कहा कि महाराज मेरा आधा जीवन बीत गया लेकिन धन नहीं मिल रहा है, मैं इतना दरिद्र हूं। उस ज्योतिष ने कहा कि धन तो तुम्हारे घर पर ही है। बोले आधा जीवन बीत गया और मुझे धन नहीं मिला और आप कह रहे हो धन घर पर। बोले हां, धन तुम्हारे घर पर है। वो कैसे? बोले तुम्हारे पिताजी बहुत धनी थे और तुम्हारे पिताजी ने अपने ही घर पर बहुत सारा धन गाड़ कर रखा है। विदेश में जाया करते थे और उनकी विदेश में मृत्यु हो गई, इसलिए ठीक से किसी को बता नहीं पाए। अपने घर के दक्षिण के कोने में उस बाग को आप खोदो, वहां से धन मिलेगा। ध्यान रहे, उत्तर की दिशा में खड्डा करोगे तो भूत उत्पन्न होगा, वहां पर भूत है और ऐसा पकड़ लेगा। पूर्व की ओर आप खड्डा करोगे तो पत्थर ही मिलेगा। घर की पश्चिमी कोने में यदि खड्डा करोगे तो कुछ बर्तन मिलेंगे, लेकिन दक्षिण में खड्डा करो आपको पूरा धन मिल जाएगा। आधा जीवन जिसका दरिद्रता में बीता, एक ज्योतिष के कहने पर खड्डा करने का वो साधन लाया और दक्षिण की बाजू में जो ज्योतिष ने कहा था वहां खड्डा किया और करोड़ों अरबों रुपये उनको प्राप्त हो गए। सत्य घटना चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। इस कथा से चैतन्य महाप्रभु क्या समझाना चाहते हैं? महाप्रभु कहते हैं कि दरिद्र जो है ना वो और कोई नहीं, वो हम लोग हैं। दरिद्र का जो रोल है ये हमारा है, हम लोग बड़े दरिद्र है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, करोड़ों की इमारत में रहता है, एयर कंडीशन रूम में बैठता है, लेकिन दिल तो जलते रहता है अंदर से, आज से खोलते रहता है। यहां कौन सुखी है? और सब लोग सुख की खोज में हैं। यहां से सुख मिल जाए, यहां से मिल जाए, यहां से मिल जाए, यहां से मिल जाए, लेकिन सुख मिल नहीं रहा। तो संसार के ऐसे दुखी व्यक्ति को एक दिन किसी साधु की संगति हो जाती है, साधु के चरणों में गिर जाता है। तब साधु कहता है कि सुख बाहर से खोजने की जरूरत नहीं, सुख तो तुम्हारे घर पर है, सुख तो तुम्हारे अंदर है। तुम जिस धन की तलाश में हो वह धन तुम्हारे अंदर है और वह सबसे बड़ा धन है कृष्ण प्रेम रूपी धन, जिसके बिना कभी सुखी नहीं हो सकते। लेकिन यह धन दक्षिणी बाजू में खड्डा करोगे तब मिलेगा, उत्तर में खड्डा करोगे तो भूत मिलेंगे। साधु जब किसी को उपदेश देते हैं तो ये बताते हैं कि उत्तर की बाजू में खड्डा करोगे तो भूत मिलेंगे, अर्थात गलत काम करोगे, पाप करोगे तो नरक में जाना होगा। पूर्व की बाजू में करोगे तो पत्थर मिलेंगे, अर्थात मात्र कर्म कांड करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग भी पत्थर के समान है। शिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। पश्चिम की बाजू में खड्डा करोगे तो बर्तन मिलेंगे, अर्थात हो सकता है योग अष्टांग योग आदि करने से ब्रह्म लोक मिल जाए, लेकिन वास्तविक धन चाहिए कृष्ण प्रेम रूपी धन तो दक्षिणी छोर में खड्डा करो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये वेद जो है, ये शास्त्र जो है,
जैसे एक ज्योतिष अपने उपदेश के द्वारा उस दरिद्र के दुख को हर लेता है, ठीक उसी प्रकार ये शास्त्र ज्ञान प्रदान करके संसार के जीवों के दुख को हर लेते हैं। लेकिन मात्र ज्योतिष का ज्ञान देने से उसका वास्तविक दुख दूर नहीं होगा, सुन लेने से नहीं, खड्डा करना पड़ेगा। ज्योतिष ने कहा दक्षिणी बाजू में धन है तो जाकर खड्डा करना होगा, और खड्डा करते हुए ध्यान रखना होगा कि उत्तर में करेंगे तो भूत मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार शास्त्र की आज्ञा है कि कर्मकांड करो तो स्वर्ग, अष्टांग योग आदि करो तो ब्रह्मलोक, पाप करो तो नरक, लेकिन भजन करो, भक्ति करो तो कृष्ण प्रेम और कृष्ण का धाम वैकुंठ। लेकिन मात्र शास्त्र सुन लेने से या शास्त्र पढ़ लेने से काम नहीं बनेगा। जैसे उस ज्योतिष ने कहा कि तुम्हारे घर पर दक्षिणी बाजू में बहुत सारा धन है, वैसे शास्त्र से सुन लिया कि भजन करने से वैकुंठ मिलेगा, मात्र सुन लेने से कुछ नहीं होगा, जाकर खड्डा करेंगे तब धन मिलेगा। ठीक उसी प्रकार शास्त्र को सुनकर उसे जीवन में उतारेंगे तब कृष्ण प्रेम रूपी धन मिलेगा। कृष्ण प्रेम रूपी धन, इसलिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि सनातन कृष्ण कृष्ण भक्ति और प्रेम रूपी धन चाहिए तो शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके उसे जीवन में उतारे। वेद शास्त्र कहे संबंध अभी ध्येय प्रयोजन, वेद शास्त्र कहे संबंध अभी ध्येय प्रयोजन, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, शास्त्र कहे अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तिन महाद दादि सकल शास्त्रे कृष्ण मुख्य संबंध, दादि सकल शास्त्रे कृष्ण मुख्य संबंध, वेदादि सकल शास्त्रे कृष्ण मुख्य संबंध, वेदादि सकल शास्त्रे कृष्ण मुख्य संबंध, तार ज्ञाने अनुसंगे जाय माया बंध, तार ज्ञाने अनुसंगे
जय माया मंदर हर ज्ञाने आनो संगे जय माया वेद शास्त्र कहे सम्मत अभिधेय प्रयोजन शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण कृष्ण भक्ति शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन सारे वेद सारे शास्त्र एक स्वर से कहते हैं कि संसार में महाधन धन तो बहुत सारे प्रकार के हैं ये सोना चांदी गहना ये रुपया ये डॉलर धन के अनेक पहलू है लेकिन ये सब मात्र धन है महाधन क्या है क्योंकि ये जो धन है सोना चांदी रुपया पैसा ये मात्र धन है और कृष्ण कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम ये महाधन है क्या अंतर है धन में और महाधन में संसार का धन संसार में ही छूट जाता है भारत का धन भारत में ही काम आता है मैं परसों जापान जा रहा हूं मैंने कहा भारत का पैसा नहीं चलेगा बोले यहीं से ही बदलना पड़ेगा तो भारत का धन भारत में ही भारत का पैसा भारत से बाहर नहीं चलता है ये मात्र धन है हाँ डॉलर पूरी दुनिया में चलता है लेकिन डॉलर भी धरती पर स्वर्ग में नहीं चलता है इसलिए ये मात्र धन है ये सोना चांदी गहना ये मात्र इस धरती पर और धरती पर भी बहुत क्षणिक बहुत सारा धन एकत्रित किया और 8 तारीख को शाम को 8 बजे अनाउंसमेंट हुआ कि 500 और 1000 की बंद है एक 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 विचित्र विडंबना है भक्तों एक विचित्र योग है मैंने उस समय मेरी कथा मायापुर में चल रही थी तो मैंने कहा था कि भाई श्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन अनाउंसमेंट किया उस दिन 8 तारीख 8वीं तिथि और 8 बजे अनाउंसमेंट किया कि 500 1000 की नोट बंद ठीक है 8 तारीख थी 8वीं तिथि वैदिक कैलेंडर के अनुसार और 8 बजे 8.8.8 अब हम तो भागवत से ही लेना देना है हमारा तो आप भागवत घर पर जाकर 8वां स्कंद 8वां अध्याय और 8वां श्लोक खोलिए
समुद्र मंथन का प्रसंग है। आठवें स्कंद के आठवें अध्याय के आठवें श्लोक में भागवत में लक्ष्मी जी का प्राकट्य होता है। सुखदेव जी ने 8.8.8 में लक्ष्मी को प्रकट कराया और भाई श्री नरेंद्र मोदी ने 8.8.8 को लक्ष्मी को बंद कराया। लेकिन मेरी दृष्टि से कि जिनकी लक्ष्मी बंद हुई वो काला धन था, वो गलत लक्ष्मी थी, जो भी हुआ ठीक। धन और महाधन में क्या अंतर है? पूरे जीवन में आप करोड़ों रुपये कमाओ और मरने के बाद दूसरा जन्म मिले तो हम यह दावा नहीं कर सकते कि पिछले जन्म में मेरे पास करोड़ों थे, आधा तो दे दो। इस जन्म में कमाया हुआ धन धनजी भाई क्या गया, इस जन्म में कमाया हुआ धन अगले जन्म में नहीं आता। और सच कहूं तो भक्तों, ये धन एक ना एक दिन छूटने वाला है। जीते जी या तो कोई हमसे छुड़ा लेंगे और मरने के बाद तो अपने आप छूट जाएगा। ये धन साथ में नहीं आता। इसलिए तो किसी संत ने बहुत खूब कहा, चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, लेकिन याद रखो कफन में जेब नहीं होती। अंतिम कफन लगेगा मृत्यु के समय। आज 6 पॉकेट बना लीजिए, 8 पॉकेट बना लीजिए, अंदर भी धनजी भाई को देखो, एक शर्ट के अंदर भी होगा, अंदर भी बना लीजिए। हमारे डायमंड मार्केट के किंग है धनजी भाई। तो आज चाहे कितने भी पॉकेट बना लीजिए और डायमंड का पैकेट रख लीजिए, पैसा रख लीजिए, लेकिन जीवन का जो अंतिम कफन लगेगा उस कफन में जेब नहीं होती। अर्थात इस संसार में कमाया हुआ धन इसी संसार में छूट जाता है। कमाना ही है तो महाधन कमाइए। महाधन, महाधन जो इस संसार में भी हमारे साथ रहता है और मरने के बाद भी हमारे साथ आता है। बुद्धिमान व्यक्ति महाधन को कमाता है और यही वेदों की आज्ञा है, यही शास्त्र की आज्ञा है। क्या कहा उपनिषद ने? उपनिषद कहती है, ईशावास्यदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रिद कस्य स्विद्धनम। इस संसार में जितनी भी संपत्ति है, जितना भी धन है, ईश आवास्य, ये सब के ऊपर प्रथम अधिकार ईश्वर का है। और उस धन को यदि हम हमारा मान बैठते हैं तो सस्तेन वह चोर है। मैं नहीं कह रहा हूं, उपनिषद में लिखा है कि सस्तेन दंडम अर्हति, उसे दंड मिलेगा। चोर किसे कहते हैं? चोर कौन है? चोर की डेफिनेशन क्या है? चोर का अर्थ है जो दूसरों का माल अपना समझे, उसी का नाम चोर है। दूसरों की संपत्ति पर अपना अधिकार बनाए, दूसरों की संपत्ति को अपना समझे, उसे चोर कहते हैं। इस संसार की संपत्ति भगवान की है, एक ईंट भी हमने हमारे शरीर से नहीं निकाली। संसार की वस्तु यहां से वहां, वहां से वहां करते हैं, कमा लेते हैं, सोचते हैं हमारा है। सबके ऊपर भगवान का अधिकार है और भगवान की वस्तु को हम हमारी समझ बैठते हैं तो हम और आप चोर हैं। इसलिए कमाए, अब तो क्या है, कमाने की वृत्ति बन चुकी है, इसलिए कमाना तो छोड़ ही नहीं सकते। रात को सोते सोते भी प्लान तो बनते ही रहते हैं कि कल ऐसा क्या करूं जिससे डबल हो जाए।
वो प्रसिद्ध कथा मैं कहता हूं ना, दो भाई थे, दोनों भगत थे इस्कॉन के, लेकिन उसका बाप भजन नहीं करता था। एक दिन हमारी यात्रा वृंदावन जा रही थी, तो उस दोनों आए हमारे पास और कहा हमारे पिताजी को आप लेकर जाइए ना यात्रा में, तो कुछ माला करेंगे, भक्ति करेंगे। तो हम तो ढूंढते ही रहते हैं कोई आ जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए। बोले ठीक है, नाम लिखवा दो। रजिस्ट्रेशन हुआ और यात्रा का दिन आया और सब लोग यात्रा में गए, लेकिन ये आदमी सभी भक्त यात्रियों के बीच में वैसा ही लगता था जैसे कबूतर के बीच में कौवा। अपने गुजराती में पावेरा में कागड़ो। भक्त लोग प्रवचन में बैठे हैं तो वो चाय की लारी पर खड़ा होता है, भक्त कीर्तन करते हैं तो दीवार पर सट कर खड़ा रहकर गाली देते हैं, ये कब बंद करेंगे। सारा काम उल्टा करता है। 10 दिन यात्रा के बाद मुंबई वापस आए, वह दोनों भाई अपने पिता को रिसीव करने आए और हमें मिलकर कहा कि मेरे पिताजी भक्त बन गए। हमने कहा तेरे पिता तो नहीं बने हैं, 5 दिन और अधिक हमारे साथ रहे होते तो हमारी भक्ति भी चली जाती। ये तेरा बाप किस माटी से बना है। 6 महीने के बाद पुनः एक यात्रा का आयोजन हुआ, काशी जा रहे थे वाराणसी, और दोनों भाई आए। वैसे भी उनका बाप नड़ रहा था, घर पर आए मेरे पिता को लेकर जाओ, यात्रा में जा रहे हैं, बुढ़ापे में यात्रा ही करेंगे। फिर से रजिस्ट्रेशन हुआ, काशी यात्रा में आया। आप सब जानते हैं काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन, रामचरितमानस मंदिर का दर्शन, अनेक जगह पर गए और फिर उस नौका में बैठकर एक से एक घाट का दर्शन करते 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 मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट पर पहुंचे। जिस स्मशान में, जिस घाट में सत्यवादी सूर्य वंश के राजा हरिश्चंद्र ने नौकरी की थी, उस घाट पर गए। सारे भक्त वहां पर उतरे दर्शन करने के लिए गए। आप सब जानते ना कि पूरी दुनिया में लोग अपने पितरों के शव को जलाने के लिए काशी में आते हैं, बिल्कुल लाइन लगी रहती है, 10-10 चिताएं एक साथ जलती है, फिर भी लोग लाइन में खड़े रहते हैं। अब ये आदमी सीरियस हो गया और जाकर सीधा बैठ ही गया। भक्त लोग आधा घंटे के बाद उसे बुलाने गए, चलो, लेकिन ये तो बैठकर सोच रहा है। अब भक्त के मन में हो गया कि नहीं, अब ये भगत बन गया। भक्तों ने कहा क्या सोच रहे हो, यही सोच रहे हो ना कि एक दिन आपको इस प्रकार से मरना पड़ेगा, आया ना वैराग्य हो रहा है ना, अब माला करोगे ना, माला लेकर आऊं, कितनी माला करोगे, अरे कुछ बोलते क्यों नहीं है, कुछ बोलो तो सही। तब वो आदमी 45 मिनट सीरियस वहां पर बैठा और बार बार भक्तों ने जब कहा तब वह आदमी इतना ही बोला कि मैं 45 मिनट से यह सोच रहा हूं कि मैं मेरे दोनों बेटों को यहां पर बुला लूं और लकड़े का बिजनेस शुरू करवा दूं, क्योंकि यहां पर इतनी चिताएं जलती हैं, इतना वेटिंग में खड़े रहते हैं, वहां पर कपड़े का बिजनेस करने से अच्छा है कि काशी में लकड़े का बिजनेस करें। महाराज जी मैं ये कहना चाहता हूं कि कमाने की वृत्ति ही बन चुकी है, इसलिए ये तो मैं नहीं कहूंगा कि कमाना बंद करो, लेकिन इतना तो कह सकता हूं कमाओ, खूब कमाओ, रात दिन मेहनत करो, लेकिन ऐसा धन कमाओ जो जीते जी भी साथ रहे और मरने के बाद भी साथ आए, और ऐसे धन को महाधन कहते हैं। महाधन, महाधन को कमाओ। लगभग इस सभा में बैठे हुए सारे भक्त पैसे वाले हैं,
मैं आपको इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, हमारी योग्यता से, हमारी औकात से अधिक ही दिया है। अब हमारे बेटे उनके बेटे, उनके बेटे खा सके, इतनी व्यवस्था हो चुकी है। आपने अपना यह लोक, यह जीवन तो सुधार दिया है, लेकिन अब परलोक के बारे में सोचे। बुद्धिमान व्यक्ति वो है, याद रहे, बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि भाड़े के मकान में रहता है, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, वे 11 महीने का एग्रीमेंट समाप्त होने से पहले कोई एक नया मकान ढूंढ के रखे। 11 महीना समाप्त हो गए, मकान मालिक ने घर खाली कराया, सारा माल सामान पत्नी बच्चों को लेकर रोड पर आ गए, और फिर कोई नया मकान ढूंढने जाते हैं, तो ये मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है भाड़े का मकान छोड़ने से पहले एक नया मकान ढूंढ ले। और उससे भी बड़ी बुद्धिमानी, महाबुद्धिमानी क्या है कि ऐसा मकान ढूंढे कि फिर वह कभी खाली न करना पड़े, हैं? हैं? फिर खाली न करना पड़े। हम और आप जिस शरीर में रह रहे हैं ना, यह शरीर भाड़े का मकान है। हमारे गुजरात के सौराष्ट्र के संत गा गा के थक गए कि जीव शाने फरे छे गुमान मां, तारे रेऊ भाड़ाना मकान मां। आखिर तो ये भाड़े का मकान है ये शरीर, तो ये जो भाड़े का मकान है ये तो आपने सुधार लिया। इस भाड़े के मकान, इस शरीर के लिए सारी सुख सुविधा एकत्रित कर ली, लेकिन बुद्धिमानी ये है कि इस भाड़े के मकान को छोड़ने से पहले अब अगला मकान बना ले, और नहीं बनाएंगे तो नरक में पटका जाएगा और भयंकर दंड, भयंकर यातना दी जाएगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि बार बार इस शरीर को छोड़ना, बार बार इस भाड़े के मकान को खाली करने से अच्छा है भजन करे और भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर ले कि फिर कभी वह फिर कभी ना पड़े। इसलिए धन कमाने की वृत्ति बन चुकी है, ये नहीं कहूंगा कि मत कमाओ, कमाओ, लेकिन महाधन कमाओ। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, राम नाम के हीरे मोती दौलत के दीवाने, सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी चर चाहो गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लुट लो जिसका दिल चाहे, मैं चाहो गली गली,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कमाइए महाधन को कमाइए हो हरे राम संसार के धन को कमाने में तो सुबह सुबह नहा धोकर दौड़ने लगते हैं और इतनी भीड़ वाली ट्रेन को पकड़ लेते हैं। मुंबई की ट्रेन में लोकल ट्रेन में कितनी भीड़ होती है। आप किसी गली के कुत्ते को स्टेशन पर लेकर जाओ और जब स्टेशन पर ट्रेन आए और कुत्ते को कहो चढ़ जा, कुत्ता नहीं चढ़ेगा लेकिन मुंबई का आदमी चढ़ जाएगा। भाव से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा आउसे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री कृष्णचंद्र भगवान कमाना ही है तो महाधन को कमाइए और महाधन कृष्ण कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम है। आज हम सब भक्तों का परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से संसार के साधारण मात्र धन को छोड़कर महाधन को कमा रहे हैं। लगभग हम सब लोग गांवों से आए हैं इस मुंबई में पैसे कमाने के लिए। हम डायमंड वालों की बात करें कहां गांवों में हैं धनजी भाई हैं। खाने के वांधे थे लेकिन आए मुंबई में डायमंड कमाने हीरे हैं। लेकिन भक्तों हीरे तो कमाए लेकिन प्रभुपाद की कृपा से सच्चा हीरा मिल गया महाधन मिल गया कृष्ण भक्ति रूपी महाधन। नहीं तो पूरे जगत में विख्यात है कि ये मुंबई माया नगरी है लेकिन इस माया नगरी में भी गले में कंठी भाल में तिलक शिखा धोती कुर्ता पहनकर भजन करना ये प्रभुपाद की करुणा और कृपा के अलावा और कुछ नहीं है। कुछ नहीं, कुछ लोग इसे मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सब लोग आज संसार के धन को छोड़कर महाधन को कमा रहे हैं और इसीलिए इस एक छत के नीचे बैठकर
भागवत कथा का श्रवण गत 5 दिनों से कर रहे हैं, आज 6th दिन है। ऋषि मुनियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी भागवत सुना रहे हैं, और भागवत सुनाने से पहले 3 श्लोक में मंगलाचरण करते हैं। प्रथम 2 श्लोक में अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किए, जो अब तक हमने सुना। एक अपने आचरण से सूत जी ने सिखाया कि जीवन में जब भी कुछ भी करे तो गुरु को प्रणाम करके कार्य करे। इस संसार में शिष्य फलता है, फूलता है, शिष्य जितनी भी प्रगति करता है इसमें शिष्य का कुछ नहीं होता, गुरु की कृपा के अलावा और कुछ नहीं है। खास करके मेरी पर्सनली मैं आपको कहूं तो गुरु में बहुत आस्था है, मैं तो गुरु सेवी और गुरु भक्त आदमी हूं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इसे वाया वाया जाने की क्या जरूरत है, सीधे भगवान को प्राप्त करो, इसे बीच में गुरु को रखने की क्या जरूरत है। लेकिन गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम, गुरु की कृपा से ही शिष्य का मंगल हो सकता है। भक्तों, आज मैं ये जो कथा कर रहा हूं ना, लोगों के लिए तो बड़ा आश्चर्य है ही, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य मेरे लिए है। मैं पिछले कई सालों से लोग रिकॉर्ड करते हैं, मैं कभी मेरी कथा नहीं सुनता, लेकिन कुछ दिनों से अनंत शक्ति प्रभु लाते हैं कि लाइव हो रहा है, तो मैं मेरी ही कथा में मोहित हो जाता हूं। नहीं तो अपनी कथा सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, और मैं सोचता हूं कि यार, खैर बोलना ठीक नहीं है, लेकिन लगता है कि मैं इतना अच्छा बोलता हूं। अब आप लोग तो बोलोगे नहीं, तो मैं तो बोल दूं कम से कम। नहीं, मैं जो कहने जा रहा हूं कि जो मेरे साथ जितने भी ये अमिया निमाई प्रभु, अमित प्रभु, या जो भी मेरे साथ स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए हैं, वे जानते हैं कि मुझे न तो ठीक से गुजराती बोलने आता है, मेरी मदर टंग जो है वो भी मैं ठीक से नहीं बोल पाता था, हिंदी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मुंबई में जिसका जन्म हुआ और मुंबई में जो पला बड़ा हुआ वो आयला और गैला के अलावा कुछ नहीं करता। आप ये भी समझ सकते ना, और इंग्लिश तो मेरी लाइन ही, इंग्लिश में तो मैं टोटल पैदल हूं। लेकिन आज हजारों लोग सुनने आते हैं। कुछ कथा में एक अनुमोदन कर रहे थे कि पूरी कथा सुन ली लेकिन पता ही नहीं चला कि ये प्रभु जी किस कास्ट के हैं। आजकल ऐसा है, जब हिंदी बोलना शुरू करता हूं तो कोई समझ नहीं पाता कि ये गुजराती होगा, ये तो बीच बीच में गुजराती टुकड़ा डाल देता हूं तब पता चल जाता है, अन्यथा सीधा यही कहते हैं आप यूपी बिहार से हैं। खैर, तो मैं अपनी प्रशंसा के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी हुआ गुरु की कृपा के अलावा कुछ नहीं है, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा, श्रील प्रभुपाद की कृपा, गुरुदेव की कृपा। भागवत में ऐसा कहा गया, नीति में एक ऐसा श्लोक है कि कमल जो है ना जल में रहता है, कमल जल में रहता है और भगवान भास्कर आकाश में प्रकट होते हैं, सूर्य के किरण से, सूर्य के प्रकाश से कमल खिलता है, सूर्य के किरणों से कमल को पोषण मिलता है, लेकिन कब तक? जब तक कमल जल में है तब तक। जिस दिन कमल जल से बाहर निकल गया उस दिन पोषण करने वाला सूर्य उसी कमल को सुखा कर राख कर देगा। सूर्य एक ही है, कमल भी वही है,
लेकिन कमल जब तक कमल सरोवर में है, कमल जब तक जल के आश्रय में है, तब तक सूर्य उसका पोषण करेगा। और जिस दिन कमल ने जल का संग छोड़ दिया तो सूर्य उसी कमल को सुखा देगा। ठीक उसी प्रकार जब तक कोई शिष्य गुरु के सानिध्य में है तो भगवान उसका पोषण करेंगे, और जिस दिन गुरु के सानिध्य से निकल गया तो वही भगवान उसका पतन करा देंगे। सोष्यति रवि न पोष्यति, उनका पतन, उनका पोषण नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु के माध्यम से जाना चाहिए। संत न होते जगत में तो जल जातो संसार। ये गुरु तत्व यदि इस धरती पर न होता तो ये धरती कब के प्रलय होकर मर गई होती, ये धरती कब की समाप्त हो गई होती। ये तो गुरु की कृपा है तब जाकर हम लोग जीवित हैं। रोज सुबह मंगला आरती में उठकर क्या गाते हैं हम, संसार दावानल लीढ़लोक। ये संसार तो दावानल की तरह धधक रहा है, जल रहा है। काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य की आग में सब लोग जल रहे हैं। उस जंगल में लगी हुई आग को बाल्टी से पानी भरकर डाले तो भी नहीं बुझेगी, फायर ब्रिगेड लेकर जाए फिर भी नहीं बुझेगी। वन में लगी हुई आग को केवल एक ही तत्व बुझा सकता है। आकाश में बादल जम जाए और मूसलाधार वर्षा हो जाए तब जंगल की आग बुझ सकती है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। ठीक उसी प्रकार आज हमारे आपके जीवन में जो आग लगी है, इस आग को बुझाने में कोई समर्थ नहीं है। हाँ, एक तत्व है, यदि गुरु की मूसलाधार, यदि गुरु के कृपा की वर्षा हो जाए तो हमारे आपके जीवन की आग तुरंत बुझ जाएगी। और इसलिए तत्कालीन मुझे रामायण का वह प्रसंग याद आ रहा है, गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, चरण लागी कहीं बिनय विशाला, चरण लागी कहीं बिनय विशाला। गुरु गृह गए तुरंत मही पाला। गोस्वामी जी की रचना तो आप देखिए, महीपाल, राजा दशरथ के विषय में कहा गया कौन थे, मही माने धरती, पाल माने पालन करने वाला, पूरे भूमंडल पूरे धरती का पालन करने वाला अपने घर से चलकर वशिष्ठ जी की कुटिया में गया। गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या दरिद्र, आत्मा का कल्याण करने के लिए गुरु के पास जाना होगा। हमारे पास भी बहाने कम नहीं है, इतना एक्सक्यूज करते हैं कि हम तो चाहते हैं कि कोई गुरु मिल जाए, लेकिन हमारे पास कोई गुरु आ ही नहीं रहा है। हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में, हमारे वहां ऐसा कोई सदगुरु मिल ही नहीं रहा है। शास्त्र में जहां जहां गुरु के बारे में बताया गया वहां वहां एक ही प्रकार का वर्णन है कि गुरु के पास जाओ। ये गुरु का काम नहीं है आपके पास आएंगे, तो गौड़ीय धारा की बात ही अलग है कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर गुरुदेव आते हैं, बाकी ये गुरु का काम नहीं है। ये शिष्य का कर्तव्य है अपने जीवन से समय निकाल निकाल कर गुरु के पास जाए। मैं आपको सैकड़ों प्रमाण दे दूं, तस्मात गुरुम प्रपद्येत, संस्कृत व्युक्ति के अनुसार आप देखेंगे तो गुरुम प्रपद्येत माने गुरु के पास जाओ, ऐसा आदेश है। गुरु के पास जाए, हम तो बहाने बनाते हैं गुरु आते नहीं हैं, इसलिए हमने गुरु नहीं किए।
ये होटल वाले निमंत्रण देने आते हैं? बिना निमंत्रण के हम होटल में चले जाते हैं, बिना निमंत्रण के हम सिनेमा देखने के लिए चले जाते हैं, वहां कोई निमंत्रण नहीं, लेकिन भजन करना हो, कथा सुनना हो, गुरु को प्राप्त करना, तो निमंत्रण के बहाने बनाते हैं। गुरु के पास जाए। सूत जी ने दो श्लोक में गुरु को प्रणाम किया, सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया, और अब भागवत शुरू करने से पहले इस तीसरे श्लोक में क्रम के अनुसार ये चौथे नंबर का श्लोक है, मंगलाचरण का तीसरा श्लोक। अब श्री सूत जी गुरु को प्रणाम करने के बाद देवी देवता भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नारायणम नमस्कृत्य, क्रम देखिए आप, प्रणाम करने का क्रम देखिए। सूत जी भागवत सुनाने के लिए सर्वप्रथम नारायणम नमस्कृत्य, नरम चैव नरोत्तमम्। सर्वप्रथम नर और नारायण को प्रणाम कर रहे हैं। नारायणम और नरम, ये दो शब्द है, अर्थात ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान नर और नारायण भारत देश के अधिष्ठाता देवता है। वैसे 24 अवतारों में से एक है नर नारायण, लेकिन भारत देश के अधिष्ठाता देवता भगवान नर और नारायण है। और जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर लिखा क्रम संदर्भ में, मेरी अभी दृष्टि गई कि भगवान नर और नारायण भागवत ग्रंथ के भी अधिष्ठाता देवता है, इसलिए नर नारायण को प्रणाम कर रहे हैं। इससे हमें प्रैक्टिकल ये समझ में आता है कि हम जिस क्षेत्र में कथा करें उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता को प्रणाम करके कथा शुरू करें, फिर वो ऊपर वाला देवता हो, यहां का प्रेसिडेंट हो, नीचे वाला देवता हो, ये देवता का आदर करके प्रणाम करके शुरू करें। ये मुझे इतना थोड़ा बहुत समझ में आता है इस चीज से। सूत जी बड़े सर्वज्ञ है, पूर्णज्ञ है, तो भारत भूमि के अधिष्ठाता देवता नर नारायण को या भागवत के अधिष्ठाता देवता नर नारायण को प्रणाम कर रहे हैं। नर नारायण के विषय में संक्षिप्त में आपको कह दूं, मनु महाराज की तीसरी कन्या प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और उनसे 16 कन्या की प्राप्ति हुई। इस 16 कन्या में एक कन्या का नाम था मूर्ति, जिसका विवाह धर्म के साथ हुआ और उनसे ये दो बच्चे प्रकट हुए, भगवान नारायण और नर। नारायण जो थे वह ईश तत्व, ईश्वर तत्व, साक्षात भगवान, और नर जो है ये जीव तत्व है। भगवान ने क्यों अवतार लिया इसका वर्णन पुराणों में बड़े विस्तार से है। उत्तरांचल में, उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा असुर हुआ जिसका नाम था सहस्त्र कवच असुर।
शिव जी को प्रसन्न करके अपने शरीर पर 1000 कवच धारण कर लिया था। अरे एक तो बंदर का स्वभाव होता है उछल कूद करना, ऊपर से बंदर को शराब पिला दो, एक तो असुर था ऊपर से पावर मिल गया, तो मिस यूज तो होना है। मैं तो कहता हूं कि पावर देने वालों की भी कुछ योग्यता होनी चाहिए। लोग सोचते ना कि गुरु की योग्यता ये हो तो ही गुरु बन सकते हैं। लोग सोचते ना, कहते ना कि वक्ता की योग्यता कि ये हो तो ही वक्ता बन सकते हैं। मैं कहता हूं कि जो पद और पोस्ट पर बैठते ना उसकी भी योग्यता गिनानी चाहिए। ये जो पद पोस्ट पोजीशन है कि इसकी भी योग्यता जरा बना दो, थोड़ा ये भी दिखा दो कि आपकी क्या योग्यता है। क्योंकि इतिहास में देखा गया है कि जिन जिन लोगों को पद और पोस्ट बिना योग्यता के पद और पोस्ट मिला तो उसका गलत ही इस्तेमाल किया है। तो बार बार अपनी बुद्धि के तराजू पर गुरु और वक्ताओं की योग्यता को तोलते रहते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पोस्ट और पोजीशन पर बैठे हैं, चाहे कहीं पर भी, दिल्ली में बैठे हो, किसी धर्म सभा में बैठे हो, या कोई संस्था में हो, किसी भी पद और पोजीशन पर बैठने वालों की भी योग्यता होनी चाहिए। क्योंकि बिना योग्यता के पद पोजीशन मिलना यह बहुत बड़ा अपराध कर बैठेगा, उसका मिसयूज कर बैठेगा। आप रावण से शुरू कीजिए, हिरण्यकश्यप को देख लीजिए, इन सब को पावर मिला और अपने अपने पावर वरदान का गलत इस्तेमाल किया। सहस्त्र कवच असुर शिवजी से वरदान प्राप्त करके उत्तरांचल में, उत्तराखंड में जितने भी महात्मा ध्यान करते थे, भजन करते थे, यज्ञ करते थे, उन सब को डिस्टर्ब करने लगा। भक्तों की भक्ति बंद कराई, साधकों की साधना बंद कराई, ऋषि मुनियों की अग्नि बंद कराई, सारे साधु समाज भक्त समाज त्राहिमाम कर उठा, भगवान को पुकारने लगा, ईश्वर आप कुछ कीजिए और इस असुर का वध कीजिए। ऐसा वर्णन है कि भगवान विष्णु ने नारद को बुलाया और कहा, नारद इस भूमंडल पर कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर एक दिन तपस्या करने से 1000 वर्ष तक तपस्या करने का फल मिले। पूरे भूमंडल पर विचरण करने के बाद नारद भगवान विष्णु के पास गए और कहा, प्रभु इस धरती पर बद्रीनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहां एक दिन तपस्या करने से 1000 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है। नर और नारायण, ये दोनों का जन्म हुआ धर्म के पुत्र के रूप में। साक्षात भगवान थे इसलिए जातकरण आदि किसी भी प्रकार के संस्कार की जरूरत नहीं पड़ी, देखते ही देखते बड़े हो गए। माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हम तपस्या करने जा रहे हैं, यदि हमारी आवश्यकता हो, हमारे लायक कोई सेवा हो तो स्मरण कीजिएगा, हम प्रकट हो जाएंगे। भगवान नर और नारायण बद्रीनाथ धाम में गए, तपस्या किए, प्लान बनाया कि सहस्त्र कवच असुर के कवच को काटना है और शिव जी का वरदान था कि 1000 वर्ष तक युद्ध करेगा कोई तुम्हारे साथ निरंतर लगातार, तब तुम्हारा एक कवच टूटेगा और कवच तोड़ने वाला या तो मर जाएगा या मूर्छित हो जाएगा। बताओ, इसे ऑलमोस्ट तो अमर हो ही गया, लेकिन भगवान की बुद्धि से कोई नहीं बच सकता। भगवान नर और नारायण, सबसे पहले भगवान नारायण ने सहस्त्र कवच असुर के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया, 1000 वर्ष तक युद्ध किया और प्रथम कवच को तोड़ दिया। क्योंकि शिव जी का वरदान था इसलिए भगवान जानबूझकर मूर्छित हो गए। तब तक तो नर तपस्या कर रहे थे, भगवान मूर्छित हुए तो नर आए, उन्होंने युद्ध करना शुरू किया। 1000 वर्ष तक नर ने युद्ध किया, दूसरा कवच टूटा, तब तक भगवान खड़े हो गए।
इस प्रकार ऑल्टरनेट करते हुए दोनों ने मिलकर सहस्त्र कवच असुर के एक के बाद एक 999 कवच तोड़ दिए। और अब इस असुर ने सोचा कि अंतिम कवच बचा है, ये भी तोड़ देंगे, सूर्य में जाकर विलीन हो गया। और द्वापर युग में, ये सतयुग की घटना है, द्वापर युग में जब माता कुंती ने विवाह के पहले ही सूर्य देव का आवाहन किया, प्रकट हुए, और यह सहस्त्र कवच असुर कर्ण के रूप में प्रकट हुआ। क्योंकि सहस्त्र कवच असुर का एक कवच बच चुका था, इसलिए कर्ण के शरीर में जन्म से ही कवच था, और जब तक वह कवच न टूटे तब तक कर्ण को कोई नहीं मार सकता था। उस कर्ण ने दुर्योधन का पक्ष लिया और पांडवों के साथ युद्ध हुआ। नर और नारायण ने मिलकर 999 कवच तोड़े थे सतयुग में। पहला कवच नारायण ने तोड़ा तो अंतिम कौन तोड़ेगा? नर। तो नारायण कृष्ण बनकर आए और नर अर्जुन बनकर द्वापर युग में आए, और अर्जुन के हाथों से कर्ण की मृत्यु हो गई। यह है नर नारायण संक्षिप्त में। वैसे तो पूरी भागवत हो सकती है इन पर। नर नारायण के विषय में साकेत वासी रामानंदी जी ऐसा लिखते हैं कि इस भूमंडल पर वर्तमान में बहुत बहुत पाप हो रहे हैं, और इतने पाप इस धरती पर हो तो धरती अपने स्थान पर स्थिर नहीं रह पाएगी। इतनी गायों की हत्या हो रही है, मनुष्य की हत्या, कितना कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी यह संसार, ये धरती, सब कुछ चल रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि संसार के लोग तो पाप किए जा रहे हैं, लेकिन संसार के लोगों के बदले भगवान नर और नारायण आज भी बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं और धरती के पाप को दूर कर रहे हैं। तो ऐसे भारत भूमि के अधिष्ठाता देवता और भागवत के अधिष्ठाता देवता भगवान नारायण और नर को प्रणाम करते हैं। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम चैव। चैव को संधि विच्छेद करेंगे च एव, च माने विगेरे विगेरे आदि आदि। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं कि च शब्द का अर्थ है कि अन्य सभी देवताओं को भी प्रणाम कर रहे हैं, दृष्ट अदृष्ट समस्त देवी देवताओं को भागवत सुनाने से पहले प्रणाम किया जा रहा है। आगे नरोत्तमम, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम। नरोत्तम का अर्थ है नरों में उत्तम भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि भगवान कृष्ण इस भागवत ग्रंथ के प्रधान देवता, मुख्य देवता, मुख्य विषय है, इसलिए नरों में उत्तम भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं कि कृष्ण नरों में उत्तम है, नराणाम उत्तम इति नरोत्तम। जितने भी नर है, मनुष्य है, इसे कोटि कोटि गुना सुंदर और उत्तम भगवान कृष्ण है। तो ऐसे नरोत्तम भगवान को प्रणाम किए और अब देवीम सरस्वती व्यासम, देवीम सरस्वती व्यासम, देवीम सरस्वती व्यासम। और पहले
नर नारायण को प्रणाम, फिर समस्त देवताओं को प्रणाम, फिर नरोत्तम भगवान कृष्ण को प्रणाम, और अब विद्या की देवी सरस्वती को, मां सरस्वती को प्रणाम कर रहे हैं। सरस्वती देवी इस ग्रंथ अर्थात भागवत की शक्ति है, भक्ति ही भागवत की शक्ति है, ये सरस्वती को भागवत की शक्ति माना गया है। अब हम तो भागवत के श्लोक में रचे पचे हैं ना, इसलिए माइंड में आ जाता है। श्लोक में तीसरी लाइन में क्या लिखा है, संसार इनाम करुणा करुणा आह। अब चौथे में जाओ, यहाँ लिखा है सरस्वती, ठीक है, तीसरे श्लोक में करुण, चौथे श्लोक में सरस्वती। भगवान की कृपा से मेरा पहला बेटा जिसका नाम करुण केशव और बेटी इरावती जिसका अर्थ है सरस्वती, चौथे श्लोक में वर्णन है। गुरु महाराज भी जब नाम देते हैं तो कुछ ऐसा कनेक्शन करके देते हैं। सरस्वती, सरस्वती विद्या की देवी है। ऐसा वर्णन है कि एक बार एक बहुत बड़ा आदमी था, ब्राह्मण था, और सरस्वती देवी की इतनी उपासना किया, सरस्वती देवी उनके सामने प्रकट हो गई और कहा कि मैं तुम्हें वरदान देती हूं। उसका नाम था केशव और कश्मीर का रहने वाला था, इसलिए उसका नाम प्रसिद्ध हुआ केशव कश्मीरी। जैसे हमारे श्याम सुंदर सूरत से आए हैं तो उसका नाम है श्याम सूरती, तो ये है केशव कश्मीरी। ब्राह्मण था और सरस्वती देवी की उपासना करके माँ सरस्वती को प्रकट किया, सरस्वती देवी ने वरदान दिया के वरदान देती हूं कि तुम संसार में, इस दुनिया में कोई भी मनुष्य तुम्हें हरा नहीं पाएगा, जिस किसी के भी साथ तुम्हारा वार्तालाप हुआ इस धरती पर, जिस किसी मनुष्य के साथ तुम उसे हरा दोगे। जिस दिन से मां सरस्वती ने वरदान दिया उस दिन से यह अभिमान में चूर हो गया और केशव कश्मीरी पूरे भारत में भ्रमण करने लगा और जितने भी विद्वान पंडित थे उनके साथ शास्त्रार्थ करने लगा, और जो भी व्यक्ति उसके साथ शास्त्रार्थ में हार जाता उसे बंदी बना लेता, उसके हाथ और पांव में बेड़िया डाल देता, और अकेला नहीं पूरे जुलूस को लेकर चलता था। अनेक हजारों अनुचर होते थे और जिन जिन को बंदी बनाया होता था उनको साथ में लेकर चलता था केशव कश्मीरी। और जिस समय केशव कश्मीरी पूरी दुनिया में इस प्रकार विजय प्राप्त कर रहा था, उन दिनों 525 वर्ष पूर्व इस धरती के गोले पर नवदीप गौर मंडल मायापुर को विद्या का गढ़ माना जाता था, विद्वानों का गढ़ था नवदीप गौर मंडल मायापुर धाम। और जिस समय केशव कश्मीरी को पता चला कि मायापुर में बहुत बड़े बड़े दिग्गज विद्वान पंडित रहते हैं, तो वे सारे जुलूस को लेकर मायापुर में आया। उस समय मायापुर के सारे विद्वान ब्राह्मण कांप गए, बोले इसके साथ शास्त्रार्थ करेंगे तो बंदी बना लेगा। ब्राह्मणों ने आपस में मीटिंग की और उन दिनों श्री चैतन्य महाप्रभु की उम्र बहुत छोटी थी और उनका नाम था निमाई, तो श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई के रूप में गुरुकुल में स्कूल में बालकों को संस्कृत पढ़ाया करते थे। दिग्विजय केशव कश्मीरी वहां पर मायापुर में पहुंचा, सारे ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा विद्वान रहता है और उसका नाम है निमाई चैतन्य महाप्रभु। ब्राह्मणों ने सोचा कि निमाई तो छोटा है,
यदि इस दिग्विजय केशव कश्मीरी के साथ निमाई हार गया तो कहा जाएगा बालक था हार गया, और यदि जीत जाए तो पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा कि बालक ने इतने बड़े आदमी को हरा दिया। इसलिए निमाई का नाम दे दिया, और निमाई को ढूंढते ढूंढते वो केशव कश्मीरी गंगा के तट पर उस स्कूल में उस स्थान पर आ गया। बोले निमाई कहाँ है? तो चैतन्य महाप्रभु खड़े थे, पूरा जुलूस हजारों लोग साथ में, जैसे कोई युद्ध करने निकला हो। वास्तव में इनके लिए तो युद्ध ही था, ये ब्राह्मण का युद्ध था। सीधे कह दिया कि मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो। ये तो गौड़ीय धारा है ना भक्तों, महाप्रभु ने तो यही सिखाया किया और अपने भक्तों से करवाया। महाप्रभु ने कहा देखो आपको गलत फहमी हुई है, हम कोई विद्वान नहीं है, हमारे जैसा मूर्ख इस संसार में और कोई नहीं। बोले नहीं, आपके गांव के सारे ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप विद्वान हो। महाप्रभु ने सोचा कि ये ब्राह्मणों की करतूत है, अब बेचारे ब्राह्मणों को परेशान करना भी ठीक नहीं है। बोले मैं विद्वान तो नहीं हूं, मैं तो मूर्ख हूं। महाप्रभु ने कहा लेकिन हमने सुना है आप बड़े विद्वान हो, हमारी आपकी क्या बराबरी, हम तो आपके दास आपके चरणों के किंकर सेवक हैं, लेकिन आपका नाम हमने बहुत सुना है और आप यहां पर आ ही गए हो तो एक एक कृपा कर दो। केशव कश्मीरी ने कहा क्या कृपा करूं? बोले कुछ सुना दो। ये तो अभिमान में चूरता अहंकार में क्या सुनना चाहते हो बोलो। महाप्रभु ने कहा कि गंगा के तट पर खड़े हैं, एक काम करो गंगा के बारे में कुछ बता दो। अब ये भी विद्वानों में कम नहीं था, बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ ही समय में तत्कालीन अपने ही मन में श्लोकों की रचना करते करते झांझावात तूफान की तरह 500 श्लोक बोल दिया। हम यदि गुजराती हैं हिंदी है, हमारी भाषा में इतना बोलना मुश्किल है, और ये ऑन दी स्पॉट श्लोकों का निर्माण कर करके बताते गया बताते गया बताते गया गंगा की महिमा को। और ये सब सुनने के बाद महाप्रभु ने बड़ी प्रशंसा की कि वाह दिग्विजयी, जैसा सुना था वैसा ही निकला, वास्तव में आप दिग्विजय हो, आप महान हो, आपकी बराबरी आपकी तुलना और कोई नहीं कर सकता। पहले तो बहुत चढ़ाया उस आदमी को, बहुत प्रशंसा की, और अंत में कहते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात, बुरा न लगे तो एक बात कहूं, बोलो आपकी रचना है तो बहुत अच्छी लेकिन 5 गलती है, ये तो लाल पीला हो गया कि मेरी लाइफ में आज तक ये पूरे ब्राह्मणों को बांध कर आया था कि एक गलती निकालने वाला पैदा नहीं हुआ और 5 गलती। कौन सी मेरी 5 गलती है बताओ? तो बड़े शांत स्वभाव में चैतन्य महाप्रभु ने उस 500 श्लोक में से एक श्लोक को निकाला और बताया कि ये एक गलती है। वो दिग्विजय केशव कश्मीरी सोचा, पहले तो ये सोचा कि मैं इतना तेज गति से श्लोक बोला इसको याद कैसे रह गया। पहली बात तो पहला प्रश्न तो ये है कि इतना तेज बोल दिया, उनमें से बीच वाला एक श्लोक याद रख लिया और उस श्लोक में 5 गलती को भी पकड़ लिया, 5 गलती दिखा दी, और वह पूरी दुनिया को विजय प्राप्त करने वाला चैतन्य महाप्रभु उस निमाई के सामने पानी पानी हो गया, लज्जित हो गया सबके सामने, और कहा कि मेरा माथा दुख रहा है, मैं कल सुबह मिलूंगा, अपने घर पर चला गया। रात भर सरस्वती देवी की आराधना किया, विद्या की देवी मां सरस्वती प्रकट हुई, साक्षात मां सरस्वती प्रकट हुई और कहा दिग्विजयी केशव कश्मीरी याद किया? बोले मां, मां आपने मुझे वरदान दिया था कि मैं जिस किसी से भी
डिबेट करूंगा, शास्त्रार्थ करूंगा, जीत जाऊंगा, मुझे कोई नहीं हरा पाएगा, लेकिन आज मुझे हारना पड़ा। मां मां आपका वरदान कैसे फेल हो गया? तब विद्या की देवी सरस्वती ने कहा, केशव मैंने वरदान दिया था कि इस धरती पर तुम किसी भी मनुष्य से नहीं हारोगे, लेकिन आज तुम जिससे शास्त्रार्थ करने के लिए गए वो कोई मनुष्य नहीं, वो मेरा भी बाप है, मेरा ईश्वर है, वो मेरा भगवान है। वरदान था कि मनुष्य से नहीं हारोगे, भगवान से नहीं हारने का वरदान नहीं दिया था। तुम जिससे शास्त्रार्थ करके आए वो कोई मनुष्य नहीं, वो तो ईश्वर है, भगवान है। यदि सुखी होना चाहते हो तो जाओ उनकी शरण ग्रहण करो। और वही हुआ भक्त, दूसरे दिन केशव कश्मीरी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गया और जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहां पर एडमिट हो गया। कहने का अर्थ यह है कि ये विद्या की देवी सरस्वती भगवान कृष्ण की शक्ति है। इस प्रसंग में मुझे आपको कुछ कहना है कि भागवत के वक्ता सूत गोस्वामी भागवत सुनाने से पहले भगवान को नमस्कार किए, नर नारायण को नमस्कार किए, देवी और देवताओं को नमस्कार किए। भक्तों, ये सत्य है कि हम राम कृष्ण विष्णु के भक्त हैं। कृष्ण सबके मूल हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम किसी देवी देवता का अपमान कर दें। इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम देवताओं को निग्लेक्ट कर दें। कई बार मैं भक्त समाज में बोल रहा हूं, कई बार भक्तों की बुद्धि इतनी सीमित हो जाती है, भक्तों के माइंड इतने नैरो हो जाते हैं कि कृष्ण का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, लेकिन देवी देवताओं का अपमान कर बैठते हैं। हम देवी देवताओं के मंदिर में क्यों जाएंगे? ये देवी देवता क्या लगते हैं हमारे? कृष्ण सबके मूल हैं, सबके ईश्वर हैं। ये बात सत्य है कि कृष्ण मूल है, ईश्वर है, कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण का भजन करो, लेकिन कृष्ण ने अपने जीवन में कभी भी ऐसा तो नहीं कहा कि किसी का अनादर करो। कभी भी किसी भी देवी देवता का अनादर ना करें, आदर करें, क्योंकि मां विद्या की देवी सरस्वती हो, दुर्गा हो, अंबा हो, काली हो, ये सारी माताएं, सारी देवी और देवता भगवान की शुद्ध सेवा में लगे हुए हैं। ये सारे देवी देवता भगवान के भक्त हैं। अरे कृष्ण का भजन करने वाला चींटी और कुत्ते का भी आदर करता है, देवी देवताओं का आदर हम कैसे चुक सकते हैं? हैं? कोई डिवोटी मिल जाए तो हम कितना स्माइल देकर हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम करते हैं। तब विचार कीजिए, ये देवी देवता इस धरती के डिवोटी से कितने महान है। भगवान की शुद्ध सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए देवी देवताओं का आदर करें। और मैं तो कहता हूं हमारे हम सब के कुल देवता कुल देव होते हैं। जब भी अवसर मिले और आप गांव में जाते हो तो जाना चाहिए कुल देवी के पास, कुल देवता के पास प्रणाम करना चाहिए, मांगना चाहिए कि माँ आपने सब कुछ दिया, बस अब कृष्ण प्रेम दे दीजिए। मांगना चाहिए, ये भक्ति। रामायण में आप देखिए कि जब राम धनुष तोड़ने वाले थे, धनुष किसी से नहीं उठा, अब राम बचे हैं, तो जगत जननी माँ सीता गणेश जी के पास जाती हैं, गिरिजा जी के पास जाती हैं, कि हे गणनायक, गणनायक बर दायक देवा। ऐसे तो आप नहीं गाओगे। नायन देवा गणनायक बर दा
गण नायक परदायक देवा, गण नायक परदायन देवा, गण नायक परदायक देवा, गण नायक परदायक देवा, आज लगे तुम आज लगे तुम करी हरि सेवा, आज लगे तुम सेवा, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ, निर्विघ्नम कुरु मे कार्य सुसर्वथा, गण नायक बरदायक देवा, गण नायक बरदायक देवा, जगत जननी माता सीता गजानन गणपति महाराज के सामने अपनी झोली फैलाकर दोनों हाथ जोड़कर कहती है कि हे गजानन गणपति महाराज, मैंने मेरे पूरे जीवन भर तक आपकी पूजा की, आपकी सेवा की, किसके लिए? आज के लिए। आज तक हे गणेश जी मैं आपकी सेवा करती रही क्योंकि राम मेरे पति बन जाए, राम मेरे पति बन जाए। वहां ब्रज में हेमंत ऋतु में गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की। कात्यायनी महामाया महायोगे नदीश्वरी, कात्यायनी महामाया महायोगे नदीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु में, गण नायक बरदायक देवा, गण नायक बरदायक देवा, गजानन गणपति महाराज। हमारे सनातन धर्म में पांच देवता की उपासना मानी गई है, भगवान विष्णु, भगवान शिव, सूर्य देवता हनुमान जी महाराज और दुर्गा देवी। इनका आदर करें। हम सब गोपियों के पद चिन्हों पर चल के भगवान को प्राप्त करने के सिद्धांत पर चल रहे हैं। गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की, करें। हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि वह पूजा कृष्ण को पति बनाने के लिए। विद्या की देवी सरस्वती को प्रणाम कर रहे हैं और तत्पश्चात श्रीमद् भागवत के रचयिता, श्रीमद् भागवत ग्रंथ के ऋषि श्री वेदव्यास मुनि को प्रणाम कर रहे हैं। देवीम सरस्वतीं व्यासं, देवीं सरस्वतीं व्यासं, ततो जयमुदीरये, ततो
जय मुदीरये। ततः माने जो विस्तार करे उसे ततः कहते हैं। वेदों का विस्तार करने वाले वेदव्यास मुनि को प्रणाम करते हैं और जय जयकार करते हैं। जयम उदीरयत, ये मुख्य शब्द है। जयम उदीरयत, जयम माने जय, विजय, सक्सेस, सफलता, और उदीरयत माने हो, जय हो, सफल हो, विजय हो। बहुत सुंदर यहां पर अनेक आचार्यों ने जयम का अर्थ किया है। आचार्य चरण कहते हैं कि भागवत जय ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत जो है जय ग्रंथ है, अर्थात इसके द्वारा, भागवत के द्वारा संसार को जय किया जाता है, संसार के ऊपर विजय प्राप्त किया जाता है। जो ब्राह्मण है मंत्र श्लोक आदि याद करने में सफलता मिलती है यदि भागवत की कृपा हो जाए। भागवत की कृपा से ब्राह्मण मंत्र आदि को याद करने में सफल होता है, क्षत्रिय युद्ध करने में सफल होता है भागवत सुनने से। भागवत सुनकर वैश्य, व्यापारी हैं हीरालाल, भागवत सुनने से व्यापारी बिजनेस करने में सफल होता है, और शूद्र नौकरी आदि में सफलता प्राप्त करता है, ऐसा कहा गया। और भागवत सुनने से जिसका विवाह नहीं होता, संतान नहीं होते, उसमें भी सफलता मिल जाती है, भागवत सफल बना देता है। हालांकि ये सब गौण फल हैं, लेकिन जय शब्द आया ना, भागवत जय, सक्सेस कराने वाला ग्रंथ, इसलिए ये सारी बात बताई गई। किसी एक संत ने कहा जयम उदीरयत का एक अर्थ यह है कि भागवत सुनने वाला, भागवत बोलने वाला, या भागवत में किसी भी प्रकार की सेवा करने वाला जयम माने पूरे संसार में विख्यात हो जाता है। भागवत से जुड़ा हुआ हर कोई व्यक्ति पूरे भूमंडल में विख्यात हो जाता है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं हूं आपके सामने कि डायमंड मार्केट में जानते हैं कुछ लोग कि छोटी सी ऑफिस में कोने में बैठकर हीरे घुमा रहा था, डायमंड घुमा रहा था, कौन जानता था। बाजू के दो पांच ऑफिस वाले भी नहीं जानते होंगे, लेकिन आजकल लगभग जहां जहां जाते हैं तो लोग, मैं सोचता हूं यार भक्ति का नाटक करने से इतने इतने लोग जानते हैं कि न तो भागवत को हम ठीक से जानते हैं, न भागवत को जीवन में उतारे हैं। ये भागवत बोलने का, भक्ति करने का नाटक करने से इतने विख्यात हो गए, जब वास्तविक सच्ची भक्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो जयम माने ये भागवत जो है विख्यात कर देता है। हालांकि विख्यात होने के लिए भागवत नहीं है, लेकिन भागवत का ये आनुषंगिक फल है। भागवत सुनने वाला, भागवत बोलने वाला अपनी कीर्ति को इस संसार में, भूमंडल में अमर कर देता है। गोदावरी के तट पर चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछा, कीर्ति मध्य कौन कीर्ति हय बहुत र, कीर्ति मध्य कौन कीर्ति हय बहुत र, राय कहे भक्त बलिया, राय कहे भक्त बलिया, जार ख्याति हय।
चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से कहा कि बताओ रामानंद, इस संसार में कीर्तियों में सबसे बड़ी कीर्ति किसकी है? सबसे बड़ा विख्यात, फेमस, कीर्तिमान कौन है? राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु, इस संसार में कोई बहुत पढ़ लिख कर डॉक्टर हो जाए तो डॉक्टर बनना ये बहुत बड़ी कीर्ति नहीं है? आधा जीवन तो डॉक्टरी सर्टिफिकेट के लिए निकल जाता है, और डॉक्टर बना भी तो 25-50 साल के लिए। ये डॉक्टर की कीर्ति, वकील, इंजीनियर, धनी की कीर्ति 25-50 या 100 साल के लिए होती है, लेकिन भागवत कोई सुनने लगे और भक्त बन जाए तो भक्त की कीर्ति करोड़ों करोड़ों जन्म तक रहती है, भक्त की कीर्ति अमर हो जाती है। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि पोरबंदर में अनेक राजा आए, राज करके चले गए, लेकिन आज यदि पूछा जाए पोरबंदर किसका है तो एक ही जवाब मिलेगा कि सुदामा का पोरबंदर। मेवाड़ में, मारवाड़ में अनेकों राणा आए और अनेकों राणा राज करके चले गए, अनेक रजवाड़े बीत गए, लेकिन वर्षों के बाद आज यदि पूछा जाए कि मारवाड़ किसका तो एक ही उत्तर मिलेगा, मीराबाई का मारवाड़। और कुछ अपनी भी बता दूं, गुजरात के सौराष्ट्र के जूनागढ़ में अनेक रजवाड़े चले गए, अनेक राजा बीत गए, लेकिन आज यदि पूछा जाए जूनागढ़ किसका तो एक ही जवाब मिलेगा, नरसिंह मेहता का जूनागढ़। इन भक्तों के चले गए, युग बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन भक्त की कीर्ति का नाश नहीं हुआ। और आजकल के फेमस होने वाले लोग, एक ऐसा क्रिकेटर था जो उन दिनों में बहुत फेमस था लेकिन आज कोई पूछता भी नहीं है, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, उनकी कीर्ति बहुत सीमित होती है, लेकिन कृष्ण का भजन करने लगे, भागवत सुनने लगे तो युग युग तक अमर हो जाता है। इसलिए कहते हैं ततो जय मुदी, विजयी करा देता है भागवत। तीसरा अर्थ जयम उदीरयेत का, तीसरा अर्थ है जय करना। भागवत सुनने से आप अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस मन को जितना बड़ा कठिन है, कबीर दास जी ने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन मिलावे ईश से, ईश माने ईश्वर, मन मिलावे ईश से, मन ही करत फजी, मन ही करत फजी। संत कबीर दास जी ने कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन को हार गए तो पूरी दुनिया को हार गए, पूरे भूमंडल पर दिग्विजय करने वाला राजा, पूरी दुनिया का राजा, यदि अपने मन को नहीं जीत पाया तो दुनिया का राजा होते हुए भी वह हारा हुआ है। और झोंपड़ी में रहता है, फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन अपने मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया का बादशाह है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये हार और जीत कहां से है? मन से है। मन मिलावे ईश से, मन ही ईश्वर से मिलाता है और मन ही फजीहत कराता है। ऐसे मन को वश में, ऐसे मन के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाला ये भागवत ग्रंथ है। इसलिए ततो जय मुदीरये, ततो जय मुदी, ततो जय मुदी। अब बताइए ये जय नहीं तो क्या है? 2 घंटा भागवत सुना और पनीर कढ़ाई नवरत्न कुर्मा, ये विजय नहीं तो और क्या है यार?
इससे बड़ा साक्षात्कार और कहां हो सकता है। भगवान आएंगे तो दर्शन देंगे, यहां तो भागवत सुन के इतना अच्छा भोजन मिल जाता है, यही साक्षात्कार समझो ना। तो भागवत जय प्राप्त कराने वाला ग्रंथ है। आपने जय के बहुत सारे अर्थ सुने, संसार में जय, जय माने ब्राह्मण मंत्रों का याद करना, वैश्यों का व्यापार होना, ये सब जय। जय माने तत्कालीन अभी सुना कि मन के ऊपर जय, लेकिन श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जय का अर्थ है मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। श्रीमद् भागवत जो है मृत्यु को विजय कराने वाला ग्रंथ है। जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, ये तो रामायण से आपको सीखने मिलेगा, लेकिन मरने की जो कला है, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो भागवत से सीखे। क्योंकि मरना तो हम सबको है, जीवन में और कुछ मिले या ना मिले, मृत्यु तो अवश्य मिलेगी, मरना तो अवश्य है। ये जीवन का एक कटु और सत्य है, परम सत्य है कि हमें मरना है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है भक्तों। ये जीवन हमें कब धोखा दे दे, कब ये सांस रुक जाए, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन किसी भी क्षण आने वाली, रात दिन मस्तक पर मंडराने वाली मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो भागवत का आश्रय ग्रहण करें। जिन जिन लोगों ने भागवत भगवान का आश्रय लिया, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। परसों ही जिसकी कथा सुनी, ध्रुव 36,000 वर्ष तक इस धरती पर रहे। 36,000 वर्ष क्या होते हैं, और 36,000 वर्ष के बाद भी मरे नहीं। भगवान के पार्षद आए दिव्य विमान लेकर, विमान कुछ ऊपर था और उस समय साक्षात मृत्यु के देवता मूर्तिमान दोनों हाथ जोड़कर अपना मस्तक झुकाकर खड़े रहे। ये उस देवता की बात कर रहा हूं जो लोग भजन नहीं करने वाले को वह मृत्यु देवता घसीट घसीट कर मारते हुए पीटते हुए लेकर जाते हैं, लेकिन वही मृत्यु का देवता ध्रुव के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा रहा कि महाराज विमान धरती से थोड़ा ऊपर है, आप मेरे मस्तक पर पांव रखिए और विमान पर चढ़ जाइए। ध्रुव महाराज मृत्यु के मस्तक पर अपना पांव रखकर उस दिव्य विमान में चढ़े और वैकुंठ को प्राप्त हुए। ये भागवत मृत्यु के ऊपर ततो जयम उदी। एक सेकंड भी मैं भागवत के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, एक एक शब्द को ध्यान से पकड़िए आप। जयम उदीरयेत, भागवत मृत्यु के ऊपर जय। और ध्रुव तो आप सोचोगे 5 साल से था, और ध्रुव के साथ अपनी क्या बराबरी, हमारी बराबरी का एक चरित्र भागवत में जिन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किया, और वो था भागवत के 8वें स्कंद का गजेंद्र हाथी। सुखदेव गोस्वामी गजेंद्र की कथा सुनाते हुए बार बार कहते हैं यथा गृही। ये गजेंद्र की कथा नहीं, ये हम सब गृहस्थियों की कथा है। कुछ लोग छोटे गजेंद्र है, कुछ लोग बड़े गजेंद्र है, और कुछ लोग तो गजेंद्र के बाप है, गजेंद्र भी उसके सामने छोटा है। हम सब कहीं ना कहीं गजेंद्र। कथा सुनिए आपको समझ में आएगा कि एक हाथी था और पूरे जंगल का राजा था, नाम था गजेंद्र, और अनेक हथनियों का पति था और उसके अनेकों बच्चे थे। उस हाथी के इंट्रोडक्शन देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, उस गजेंद्र हाथी से पूरा जंगल कांपता था।
बड़े बड़े सिंह, शेर, चित्ते, भालू गजेंद्र का नाम सुनकर अपनी अपनी गुफाओं में चले जाते थे और निर्दोष पशु खरगोश हिरण आदि गजेंद्र के नाम से निश्चिंत होकर घूमते थे कि जब तक हमारा बाप गजेंद्र बैठा है तब तक हमारा कोई बाल भी नहीं बाका कर सकता। एक दिन गजेंद्र, स्वर्ग में बहुत बड़ा उद्यान है जहां पर त्रिकुट नाम का पर्वत है जिनकी तीन शिखाएं हैं। सूर्य की किरण त्रिकुट पर्वत पर और त्रिकुट पर्वत की किरण धरती पर। गजेंद्र अपने पूरे परिवार को लेकर, पत्नी और बच्चों को लेकर, जैसे आज का गृहस्थी सैटरडे संडे की छुट्टी में लोनावला महाबलेश्वर चला जाता है या कोई वाटर पार्क में जाता है, गजेंद्र आज के गृहस्थियों की तरह पत्नी बच्चों को लेकर गया। लेकिन कैसे जा रहा था, गजेंद्र की चाल का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि गरिम गरिम नाम, गजेंद्र जब चलता था तो यह धरती डोलने लगती थी। बड़े बड़े जंगल झाड़ियों के मार्ग से गजेंद्र जाता था, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ते हुए, रौंदते हुए, तोड़ते हुए जिस मार्ग से गजेंद्र निकलता था वो मार्ग बिल्कुल हाईवे बन जाता था, रोड रोलर की जरूरत नहीं पड़ती थी। अनेक पत्नी और बच्चों के साथ निकला गजेंद्र, वन में विचरण किया और विचरण करते करते सूर्य तप्त ग्रीष्म ऋतु की गर्मी थी, गजेंद्र को ताप लगने लगा, पत्नी बच्चों को ताप लगा। वहां पर एक बहुत सुंदर सरोवर था, गजेंद्र सारी पत्नी और बच्चों को लेकर उस सरोवर के तट पर पहुंचा। सुखदेव गोस्वामी कहते यथा गृही, जैसे आज का गृहस्थी है, कहीं ट्रेन से जा रहा है और बच्चे कहते पापा वेफर पानी, तो स्टेशन आते ही पत्नी बच्चों को ट्रेन में बिठाते रहता है और खुद नीचे उतरता है और सब कुछ लेकर आता है। ठीक उसी प्रकार गजेंद्र पत्नी बच्चों को बाहर रखा और स्वयं सरोवर में नीचे उतरा। गजेंद्र स्वयं जल पिया, अपने बच्चों को जल पिलाया, पत्नियों को जल पिलाया। सुखदेव जी कहते थे बिल्कुल परफेक्ट किया। एक गृहस्थी का कर्तव्य है पत्नी का पालन करे, अपने बच्चों का पोषण करें। लेकिन अब जो गजेंद्र करने लगा, अब पैजे में से बाहर होने लगा धीरे धीरे। अब गजेंद्र अपनी सूंड में पानी भर भर के बच्चों के ऊपर छिड़कने लगा, बच्चे नाचने लगे। यहां तक भी ठीक था भाई, थोड़ा बहुत नाच कूद कर खेल कर थोड़ा आनंद लेकर वापस चले जाए, लेकिन ये तो मतवाला हो गया। थोड़ा जल अपनी पत्नी के ऊपर उड़ा तो पत्नी भी अजी हमारे ऊपर क्यों उड़ा रहे हैं आप, तो गजेंद्र और फॉर्म में आ गया, मेरी पत्नी है। गजेंद्र का और उत्साह बढ़ा और अब तक बच्चों के ऊपर उड़ा रहा था, पत्नियों के ऊपर उड़ाना शुरू किया। सुखदेव जी कहते यथाग्रही, जैसे वाटर पार्क में जाकर उड़ाते ना। अब तो गजेंद्र का उत्साह और बढ़ा और सरोवर का जल ले लेकर उड़ाने लगा, ले लेकर उड़ाने लगा। बहुत समय बीत गया, गजेंद्र का शरीर बहुत मोटा था और बड़े वेग से उस सरोवर में घूमने के कारण सरोवर का पूरा जल आंदोलित होने लगा। उस सरोवर की गहराई में एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। वह ग्राह ने देखा कि मेरे घर पर ऐसा आदमी, ऐसा दुष्ट जो इतना डिस्टर्बेंस करे, पानी पीकर चला जाए तो ठीक है। उस ग्राह को क्रोध आया और अंदर से ही गजेंद्र के पास आकर गजेंद्र का पांव पकड़ लिया, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेलने में इतना मतवाला था कि गजेंद्र का ध्यान उस ग्राह के ऊपर नहीं गया। सुखदेव जी कहते हैं तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। आज का आदमी अपनी घर गृहस्थी में
भोग भोगने में इतना आसक्त बन जाता है कि मस्तक पर मंडराने वाली काल को मृत्यु को नहीं देख पाता है। काल पकड़ चुका है गजेंद्र को लेकिन भोगों में आसक्त है। गजेंद्र ने दो तीन बार अपना पांव ऐसे ऐसे हिलाया, कोई जीव जंतु होगा ये सोचकर जारी रखा। लेकिन कुछ देर के बाद जब उस ग्राह ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, गजेंद्र को जब कष्ट होने लगा और देखा, अरे बाप रे, ये तो ग्राह ने पकड़ लिया है, है ना। थोड़ा सा शरीर में रोग होता है और चेकअप कराते तब पता चलता है कि कैंसर सेकंड स्टेज है। और जैसे ही ये डिसीजन आता है, ये निर्णय आता है, तो भोग भोगना बंद और हाथ में है रिपोर्ट की थैली लेकर हॉस्पिटल के चक्कर शुरू। गजेंद्र का भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जैसे ही ग्राहक की पकड़ मजबूत हुई, बच्चों के साथ पत्नियों के साथ खेलना बंद हुआ और ग्राहक के साथ संघर्ष शुरू हुआ। अब तो रोगों के साथ संघर्ष होता है क्योंकि अब तो वो मरीज बन गया है। गजेंद्र और उस ग्राहक का घमासान युद्ध हुआ। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति घटती गई और ग्राहक की शक्ति बढ़ती गई। सुखदेव जी कहते हैं कि गजेंद्र के सामने एक ग्राहक क्या था, ऐसे 100 ग्राह एक साथ आए होते ना, गजेंद्र कहीं का उड़ाकर फेंक दिया होता। लेकिन बेचारा मजबूर था गजेंद्र कि वो किसी दूसरे के घर पर फंसा था। और याद रहे, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने क्षेत्र में तो सब शेर होते हैं। स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम, स्थान का प्रभाव था कि ग्राहक की शक्ति बढ़ती गई और पानी में गजेंद्र की शक्ति घटती गई। धीरे धीरे ग्राह गजेंद्र को खींचकर बीच सरोवर में लेकर गया। 100 वर्ष तक युद्ध चला ऐसा सुखदेव जी ने कहा। और इस युद्ध को देखने के लिए आकाश में सारे देवता प्रकट हो गए, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूं कि एक भी नीचे नहीं उतरा। कभी कभी जब जब शास्त्र में युद्ध की बात आती है तो सारे देवता आकाश में खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक तो नीचे उतरो, अलग करो बिचारों को। लेकिन वो भी हम लोगों की तरह आनंद लेते हैं, मार और एक देर में खड़ा हूं। घमासान युद्ध हुआ गजेंद्र और ग्राह के बीच में। ग्राह बीच सरोवर में खींच कर लेकर गया और गजेंद्र बस पूरा शरीर डूब गया, मात्र मस्तक बचा है। और गजेंद्र के मस्तक को भी डूबने की तैयारी बस एक घड़ी बाकी थी, लेकिन सुखदेव जी ने ऐलान कर दिया, एवं व्यवस्थिता बुद्धि समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप प्राक जन्म अनुशिक्षितम। उस अंतिम घड़ी में बस मस्तक डूबने ही वाला था, तब तक तो गजेंद्र को भगवान की याद आई और वह हाथी के शरीर में भगवान को पुकारने लगा। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण 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 अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, गोविंद हे गोपाल पुकारिए भाव से। नीर पीवन हे तू गयो सिंधु के किनारे, 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 सिंधु बीच बसत गा चरण धरी पछारे।
चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मजदारे। सूरदास जी लिखते हैं गयो मजदारे, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मजदारे, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मजदारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लागे नाक कान सब कुछ डूबने लगा। और उस समय गजेंद्र ने भगवान को याद किया, हे हरि हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे। कई बार हमारे मन में संशय होता है कि हम जो भगवान का नाम लेते हैं, ये निर्जला करते हैं, उपवास करते हैं, सोला माला करते हैं, कथा सुनते हैं, क्या हम जो भगवान का नाम लेते हैं वे सुनते होंगे? सूरदास जी कहते हैं कि गजेंद्र ने हरि को पुकारा, गजेंद्र से निकला हुआ शब्द इस ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ में चला गया। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे। तब शंकर चक्र गदा पद गरुड़ लई सिधारे, शंकर चक्र गदा पद, शंख चक्र गदा पद गरुड़ लई सिधारे, शंख चक्र गदा पद गरुड़ लई सिधारे। गजेंद्र से मुख से निकला हुआ भगवान का नाम वैकुंठ में पहुंचा। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु सोने के सिंहासन पर बैठे थे, और जैसे ही गजेंद्र का शब्द कानों में गया, भगवान अपने सिंहासन से कूद गए। गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान निकल गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु कहाँ? लेकिन आज गजेंद्र की रक्षा करने के लिए अपनी पत्नी को जवाब देने का समय नहीं था। कहते हैं भगवान बोलना चाहते थे कि मैं हाथी के पास आ रहा हूँ, उस समय भगवान के मुख से हा लक्ष्मी जी के पास और थी बोलते बोलते तो गजेंद्र के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु गजेंद्र की रक्षा करने के लिए कूद पड़े। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको तुरंत पहुंचा दूंगा। वैसे गरुड़ जी मन की गति से चलते हैं, जैसे हम यहां पर बैठे हैं और मन में सोचे अमेरिका, तो मन एक ही सेकंड में अमेरिका, मन की गति से गरुड़ जी उड़ते हैं। लेकिन आज अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान को गरुड़ की गति भी मंद लगने लगी। भगवान गरुड़ के ऊपर सवार हुए और उस सरोवर के पास पहुंचे, और उसी समय भगवान विष्णु ने अपने हाथों में सुदर्शन चक्र चढ़ाया, ग्राह का मस्तक काटा और गजेंद्र को ग्राह के मुख से छुड़ाकर अपने गरुड़ पर बिठाया, और सात देह गजेंद्र को अपने वैकुंठ में लेकर चले गए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की तथो जय मुदीरये, तथो जय मुदीरये। इस प्रकार भगवान का स्मरण करके, भगवान को पुकार कर गजेंद्र ने मृत्यु को जीत लिया। सूत जी कहते हैं कि भागवत सुनने वाला, भागवत की शरण में जाने वाला मृत्यु को जीत लेता है, मन को जीत लेता है, संसार को जीत लेता है, अरे दुनिया में सभी लोगों को जीत लेता है। यह है भागवत की महिमा। तो इस तीन श्लोक में मंगलाचरण हुआ और कल से भागवत प्रारंभ होगा। हरे कृष्ण।
ग्रंथराज श्रीमद भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।